अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बचतबाजी ऐप के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ बचतबाजी ऐप के बारे में, जिसके अंदर मैं बताया हूँ कि बचतबाजी ऐप को कैसे इस्तेमाल करें। उसमें बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, तो आज मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आज को इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। इसका पार्ट वन अभी मैं जो बोल रहा हूं ये पार्ट वन रहेगा और मैं इसका पार्ट टू भी बाद में अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका पार्ट टू ज़रूर देखिएगा जब मैं अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसका पार्ट टू जैसे ही अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकें। तो चलिए जानते हैं कि बचतबाजी में क्या सच में पैसा मिलता है कि नहीं, या एक ये फ्रॉड प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैं बचतबाजी ऐप की तरफ से कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं अपने तरफ से ये वीडियो बना रहा हूँ, न कि कोई कंपनी की तरफ से मुझे इसे इंस्पॉन्सर करने के लिए कहा गया है। तो मैं आपको ये बात एकदम क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप प्ले स्टोर में जाएंगे और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप वहाँ पर लिखेंगे बचतबाजी, जैसे आपको यहाँ पे स्पेलिंग दिख रहा है वही स्पेलिंग डालिएगा, तो आपको ये ऐप मिलेगा जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे लॉगिन कैसे करते हैं, इसे यूज़ कैसे करते हैं, इसका भी वीडियो मैंने पूरा फुल डिटेल में बना दिया हूँ। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से इसे यूज़ कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, आईडी पासवर्ड कैसे बनाते हैं, सब डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसमें लॉगिन होता हूं और लॉगिन होने के बाद आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या सच में इसमें पैसा मिलता है या फ्रॉड है, और मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊँगा कि इसमें पैसा कैसे मिलता है और पैसे कितने दिनों में आते हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कहना है कि हमारा पेमेंट एक हफ्ते दो हफ्ते से रुका हुआ है और हमें कोई पेमेंट अभी तक नहीं मिला है जो हमने इसमें अर्न किए थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बिड अभी चल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब से कब तक चलती है, इसकी टाइम लिमिट होता है। ये पेटीएम का जो चलता है यहाँ पे, इसकी भी टाइम लिमिट होती है कि कब से कब तक ये चलता है। तो यहाँ पे आप जैसे आएंगे ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4:30 से लेके रात के 9:30 तक ये आपको दिखेगा। मतलब आप जो बिड लगाते हैं पेटीएम का, पेटीएम का जो बिड लगता है वो 4:30 से लेकर 9:30 तक लगता है, और कौन सा अमाउंट का कब लगता है आपको सब यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल रही है, आप इसको एक मरतबा रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिड चल रही है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे बिड चल रही है। बहुत सारे इनके यूज़र जो है उन्होंने बिड लगाया हुआ है और ये बिड क्लोज होगा 159, मतलब ये इसका अमाउंट 200 है। और जो 159 में जो लगाएगा उसको ये 200 की अमाउंट मिल जाएगा, मतलब वो पे करेगा 159 और उसको पे करने के बाद जब उसको अकाउंट में जो अमाउंट आएगा रिटर्न, उसको 200 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 रुपीज़ मिल जाएगा उनको। तो लगभग आपको यहाँ पे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि 41 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटा मोटा आपको हर एक बिट भी आपको मिल जाएगा। अगर आप रोज़ का 40-50 रुपये भी कमाते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपना खर्चा पानी निकाल सकते हैं। इसमें आप कुछ अच्छा खासा कमाई नहीं कर सकते, मतलब अच्छा खासा पैसा नहीं कर सकते, बस जो आपके ज़रूरियात हैं। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको बहुत सारे ज़रूरियात होते हैं, जैसे अपना कुछ खाने पीने का, बुक वुक लेने का, तो इसमें आप अर्न कर सकते हैं, वो भी इसमें लिमिटेड रहता है। तो इसमें बिड लगाने के लिए आपका क्या शर्त है, आप इसमें बिड कैसे लगा सकते हैं? तो बिड लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास टोकन होना ज़रूरी है बिड लगाने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक किया
तो मेरे को ये ऑप्शन शो हो रहा है, देख रहे हैं आप, जैसे मैं किया क्लिक किया इसलिए तो मुझे ये डैशबोर्ड मुझे शो हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टोकन, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोकन बैलेंस, मैंने रेड कलर से अभी सर्कल किया हूँ, तो मेरा जो टोकन बैलेंस है वो 134 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे टोटल जो टोकन मुझे मिला हुआ है वो है 134। और पैड टोकन मतलब मैं जो ख़रीदा हूँ, मतलब पैसे दे के जो मैं ख़रीदा हूँ वो 0 है। मैं ये सब अर्न किया हूँ रेफ़ल करके, या फिर लोगों को आप रेफ़ल करके भी ले सकते हैं, या फिर डेली के आपको 2 टोकन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम योर डेली टोकन, यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने डेली के जो आपको 2 टोकन मिलते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डे टोकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं एक क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 टोकन मिल चुका है। और ये मुझे जो अब सेकेंड आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कल ओपन होगा। तो इस तरह आप 2-2 टोकन करके हर रोज़ 2-2 टोकन आप यहाँ पे अर्न कर सकते कमा सकते हैं। दूसरा तरीका इसमें टोकन अर्न करने का ये है कि आप पैसे पेड करके भी टोकन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 55 रुपये में कम से कम 50 टोकन आपको मिलेगा, 89 रुपीज़ में 80 टोकन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप बिगनर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसमें टोकन देके पैसे देके टोकन ख़रीदते हैं, तो मेरा जो अनुमान है, जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप कभी भी पैसे देके टोकन मत ख़रीदिए। क्योंकि ये अगर आप पैसे देके टोकन ख़रीदेंगे तो जाहिर से बात है आपको फ़ायदा ही कितना हो रहा है, 40 रुपये आपको मतलब एक बिट पे आपको जीतते हैं तो आपको लगभग 40 रुपया फ़ायदा होता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 50 टोकन का आपको 55 रुपया लिया जा रहा है। तो जब आप टोकन ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा तो आपको टोकन ही खरीदने में चला जाएगा। इसलिए आप इस टोकन आपको लेने के 2 तरीके मैं आपको अभी बताया हूँ, तीसरा तरीका मैं आपको अभी नहीं बताया। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फ्रेंड को इन्वाइट करके फ्री टोकन हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस पर क्लिक करके आप अपने फ्रेंड को ये कोड शेयर करके आप उनको टोकन हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये टोकन इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी मतलब ये कूपन इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी टोकन मिलेगा और मुझे भी टोकन मिलेगा। यही अगर आप ये जो आपको कोड आपके मोबाइल में भी शो होगा, अगर यही कोड आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो आपको भी ये कोड अगर वो यूज़ करता है लॉगिन करने के टाइम फर्स्ट टाइम, तो आपको भी टोकन मिलेगा और आपके फ्रेंड को भी एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसमें टोकन अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि टोकन कैसे अर्न कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसमें टोकन अर्न कर सकते हैं। मेरा मानना है आप कभी भी पैसा देके टोकन अर्न मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा देके टोकन अर्न करेंगे तो आपको ये एक लत की तरह हो जाएगा कि आप पैसा तो अर्न कर रहे हैं लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप जो पैसा अर्न कर रहे हैं वही पैसा आप गंवा रहे हैं। इसमें जितना आसान है बिड को जीतना उतना आसान नहीं है। आप जीत सकते हैं आपके अंदर एक्सपीरियंस है तो, लेकिन बहुत सारे बच्चे बिड में जीत नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। आपको फटाफट इसमें एनालिसिस करना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। जब आप इसमें रेगुलर रहते हैं तब समझ में आता है आपको। तो मैं आपको बता दिया हूँ अगर आपको टोकन ख़रीदना है तो आपकी मर्ज़ी पैसा देके, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है आप पैसा देके टोकन मत खींचिए खरीदिए। और आप रोज़ का आपको 2 टोकन मिलता ही है, 5 दिन वेट कीजिएगा आपको 10 टोकन मिल जाएगा। 10 टोकन आपको मिल गया, इनवाइट कर दीजिए एक फ्रेंड को, लगभग मेरे ख्याल से 50-100 टोकन आपको मिल ही जाएगा इनवाइट करने पर। उसके बाद तो आपको ऐसे ही टोकन बढ़ते जाएगा। तो अगर मैं देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है होम के बटन पे, मैं जैसे क्लिक करता हूँ होम के बटन में, जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बिट चल रहा है। अब बिट लगाते कैसे हैं ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले एक वीडियो में बनाया था उसके अंदर सब एक्सप्लेन किया हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो अभी ये टाइमिंग चल रहा है, मतलब इसमें टाइमिंग चल रहा है कि ये 2 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। अभी ये स्टार्ट हो चुका है, देखो अभी ये स्टार्ट, देखो बिड नाउ स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें मैं क्लिक करके इसके अंदर बिड लगा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे जो लास्ट बिड लगेगा वो 179 तक ही कोई लगा सकता है। जैसे ये देखिए अभी यहाँ पे यूज़र सब लगा रहे, इसका जो कितना चल रहा है अभी 152 चल रहा है लास्ट, यहाँ पे सेकंड चल रहा है। इस जैसे 1 हुआ, देखिए कोई और लगा दिया,
54 हो गया। अब देखिए ये जो ये आपको सेकंड चलता है, ये सेकंड जैसे जीरो होगा अगर कोई नहीं लगाया तो आप आपको आपको ये बिड मिल गया, लेकिन जीरो होने से पहले अगर किसी ने लगा दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा वापस अटैम्प्ट 9 सेकंड स्टार्ट होने लगेगा। अगर ऐसे करते करते अगर 79 पे जो लास्ट में पहुंचेगा उसको ये मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। तो ये तो जीत ही लिया किसी ने, यहां पे आप देख सकते हैं 79 पे किसी ने लगा दिया, 79 पे लगाना है, सॉरी यहां पे तक नहीं लगा 79 पे। चलिए मैं लगा के दिखाता हूं, जैसे मैं बिट पे क्लिक किया देखिए मैं लगाते जा रहा हूं, देखिए मैं इसमें लगा रहा हूं, वो 164 पे ये अभी चल रहा है। कभी कभी ये हैंग भी करता है, यहां पे आप देख सकते हैं कभी कभी ये हैंग भी करता है। तो इसमें सब लगा रहे एक दूसरे पे, देखिए इसमें जो मेरा नाम था वो नहीं आया 179 पे, किसी और का आ गया। तो इस तरह आप इसमें बिड लगाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसमें जीत जाएंगे। एक बार आप जो इस पे क्लिक करते हैं बिड नाउन पे, जैसे अभी ये चल रहा है, तो जैसे आप इसमें बिड नाउन पे एक बार क्लिक करते हैं, एक बार इस पे बिड नाउन पे, तो आपका एक टोकन कटता है, दो बार क्लिक करते हो दो टोकन कटता है ऐसा। तो आपको सोच समझ के कोई भी चीज़ करना है, ऐसा नहीं कि आपको लगाते जाना है, सोच समझ के आपको इसके अंदर काम करना है। तो देख सकते हैं वही बंदा बार बार जीत रहा है। तो इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बंदा जीतते जाता है, वही नाम का इससे पहले भी जीता था आपको दिखा चुका हूँ, अब वही नाम का भी इसमें जीत रहा है। तो इस तरह आप इसमें यहाँ पे जीता क्यों कैसे आपको मान चला जीता कैसे, क्योंकि देखो 179 पे ये बंदा लगाया लास्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 179 पे लास्ट बिड है, मतलब ये एंड हो जाएगा 179, जो 179 लगाएगा उसको ये मिल जाएगा। तो उनको 200 रुपया मिल गया। अब ये मिलने के बाद कहाँ जाता है, जैसे मैं कोई जीत गया समझ लीजिए, तो मिल गया अब वो कहाँ जाएगा, स्टोर कहाँ होगा, तो ये स्टोर यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है शॉपिंग जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मेरा टोकन शो होगा, देखिए यहाँ पे मेरे को 140 टोकन अभी शो हो रहा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इससे पहले टोकन जीता था बहुत पहले, तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक टोकन जिसमें मुझे 79 रुपया पे करना है और मुझे 100 रुपया मिलेगा पेटीएम, जैसे मैं पेटीएम 100 रुपया ट्रांसफ़र किया, मतलब 100 रुपया उनको मतलब पेटीएम का जो ये है उसमें 79 रुपया मैं उसको ट्रांसफ़र किया। गौर से सुनिए, अगर मैं इसको 79 रुपया इसको ट्रांसफ़र किया तो मुझे 100 रुपया मिलेगा। ये 100 रुपया कितने दिनों में मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 24 से 48 घंटा के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट हो सकता है तो आपको इसमें कम से कम 3 से 4 दिन तक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है फिजिकल गुड्स, मतलब ये हुआ कि जैसे इसमें आप पेटीएम में कैश जीते तो वो तो आपको ऑनलाइन आएगा आपके मोबाइल में, जो 24 से 48 घंटे के अंदर आपके मोबाइल में जो अकाउंट होगा, जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया होगा उस अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जो फिज़िकल होगा, जैसे बहुत सारे इसमें और भी चलते रहते हैं जिसके अंदर आपको कुछ, देखिए मैं आपको स्क्रॉल करता हूं तो नीचे आएगा, जैसे इसमें बहुत सारे कॉलगेट के ऑफर, कॉलगेट के बिट चलते हैं, तो वो सब तो आपको फिज़िकल आएगा ना, जैसे कैसे ऑनलाइन हम क्यों चीज़ को बुक करते हैं अमेज़ोन से, जैसे मोबाइल बुक किए तो मोबाइल हमारे घर पे आता है, तो उसी तरह इसमें भी चलता रहता है बहुत सारे ऐसे बिट चलते रहता है। अभी तो इसमें सिर्फ पेटीएम का बिट चल रहा है, रात के 9 बजे तक यही चलेगा, उसके बाद 9 बजे के बाद आपको जो कॉलगेट हो गया, कुछ छोटे मोटे सामान का जो बिट चलता रहता है वो जो आपके घर पर आएगा वो 3 से 7 दिन के अंदर आपके घर पे आएगा ऑर्डर करने के बाद, जब आपको अगर वो बिड आप जीत जाते हैं, और जो आप ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं वो 24 से 48 घंटे के अंदर आता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं जीता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा तो मुझे चेक आउट का ऑप्शन आया, तो मैं चेक आउट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने पहले से ये सब फिल करके रखा हूँ, एड्रेस उड्रेस मोबाइल नंबर सब इसमें यहाँ पे आपको दिखा, सब कुछ यहाँ पे पहले से फिल करके रखा हूँ। अगर आप न्यू है तो आपको यहाँ पे एड्रेस फ़ोन नंबर बिल्डिंग ये सब आपको टाइप करना रहेगा, सब कुछ आपको फिल करना रहेगा। फिल कैसे करना है मैंने इसके बारे में पूरा आपको फुल डिटेल वीडियो बना के अपलोड किया हूँ पहले से, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने इसकी वीडियो बना दिया हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैं देखो नीचे आप चेकआउट आ रहा ऑप्शन, मैं इस पर क्लिक करके चेकआउट करूँगा, इस पर क्लिक किया चेकआउट पे ऑप्शन आया तो मुझे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, देखो पे का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा और मेक पेमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ
तो मेरे सामने एक नया इंटरफेस शो होगा। देखिए यहाँ पे मुझे पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, पेमेंट मुझे कितना करना है 79 और मुझे रुपीज़ कितनी मिलेगी 100 रुपीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रुपये का फ़ायदा है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, इतने छोटे अमाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, जैसे कुछ खाना पीना हो 10-20 रुपये का, तो ये सब आप अगर स्टूडेंट है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे UPI के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट कौन कौन से टाइप के वॉलेट हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जियो वॉलेट, यहाँ पे इतने सारे वॉलेट हो सकते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप कौन कौन से वॉलेट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू, गूगल के थ्रू, व्हाट्सअप पेमेंट भी होता है आपको मालूम होगा, और नीचे आपको पेटीएम का ऑप्शन होगा, पेटीएम के थ्रू भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इसमें पेमेंट कर रहे हैं, इसमें आप पेमेंट कर रहे हैं और कभी इससे बाहर हो जाते हैं अचानक, जैसे मैं इससे बाहर हो गया, जैसे चल बाहर हो गया, तो आप वहीं से मुझे वापस कैसे आना है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं वापस हो मतलब ऐप से वापस हो गए, मतलब बैक आ गए वेब से, ऑटोमेटिक आपका मोबाइल हैंग हो गया, कुछ हो गया, तो आपको वापस वहाँ पे कैसे जाना है, तो आपको बता दूँ, आपको वापस से बजट बाजी ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे शॉपिंग का आइकन जो आपको शो हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे मैं इस शॉपिंग के ओपन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो उससे पहले दिख रहा था, अब यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा। आपको क्या करना है, अगर आपके साथ ये सिचुएशन फेस आता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये 3 लाइन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं 3 लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो मैं पेमेंट किया हूँ और मैं बेच से ही छूट गया था इसके अंदर, तो यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट पेमेंट, मेरा वही ऑर्डर है, वही सब कुछ है जो मैं पेमेंट करने जा रहा था, लेकिन मैं बैक हो गया और मैं बाहर आ चुका था और मुझे मालूम नहीं था कि आप मुझसे क्या करना है, आप तो वो दिखेगा भी नहीं शॉपिंग कार्ट में। तो आप मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ गया मेक पेमेंट का, जैसे मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ वैसे मुझे क्लिक करना है, पे पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, शो हो रहा है, मैं पेटीएम पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं पेटीएम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रोसीड टू पे का आपको यहाँ दिख रहा हो उस पर आएगा, तो उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो चलिए मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं प्रोसीड यहाँ पे उस क्लिक कर दूंगा उसके बाद, तो चलिए मैं डाल लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं सब कुछ भर लिया हूँ, अगर आपको स्क्रीन ब्लैंक दिख रही होगी तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे पेमेंट कर रहा हूँ तो कोई सिक्योरिटी के ऐसे अगर मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अगर वो ब्लैंक दिख रही है, अगर आपको दिख रही तो अच्छी बात है, अगर ब्लैंक दिख रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपके मोबाइल में आपको दिखेगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद ना दिखे या फिर दिखेगा अभी। उसके बाद मैं पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, पे पे मैं क्लिक करता हूँ तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये प्रोसेसिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट से 79 रुपीज़ कट चुका है, अभी SMS भी आ चुका है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरे 79 रुपीज़ कट चुका है और मुझे SMS भी आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 79 रुपीज़। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग, यहाँ पे देखिए ऑर्डर स्टेटस कंफर्म दिख रहा है, पेमेंट कंफर्म दिख रहा है। उसके बाद कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पे आपको वापस आना है, देखिए आपको ऑर्डर दिख रहा है उस पर वापस आना है। ऑर्डर पे वापस आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, शो होने के बाद आपको सब कुछ यहाँ पे शो होगा और मैंने कितने बार कौन कौन से वाउचर जीते हैं, कितने बार पेमेंट लिए, आपको यहाँ पे सब हिस्ट्री आपको शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी हिस्ट्री आपको शो हो रहा है, तो कुछ इस तरह आप इसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी इसमें टोकन मत खरीदिए और आप इसमें टोकन अर्न करने के लिए आपके मैं 2 तरीके और बता चुका हूँ, तो आप उसके तरीके से आप इसमें टोकन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आज मैं आपको बता दूँ आज कितना तारीख है, तारीख आज आपको दिख रहा है 16 सितंबर आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर 7:24 मतलब 7:24 सैटरडे 16 सितंबर आज आपको डेट दिख रहा है, इस दिन मैंने इस पेमेंट किया हूँ, आपको सब दिख रहा है। और मेरा जो पेमेंट जिस दिन आएगा उस दिन मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको मैं सब दिखा चुका हूँ कि पेमेंट कैसे करना है, मेरे बैंक से पेमेंट भी कटा है 79 रुपीज़, और जब मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा 100 रुपीज़
तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो 24 से 48 घंटे के अंदर आएगा, 2 से 4 दिन के अंदर, 2 या 3 या 1 दिन के अंदर आपको कभी भी आ सकता है। तो जब भी आता है तो मैं आपको पूरी लाइव स्क्रीन आपको दिखाऊंगा, अपने पासबुक की जो मेरे बैंक अकाउंट है उसकी आपको फ़ोटो दिखाऊंगा कि मेरे से पैसा मिला है कि नहीं। तो इस तरह आप इसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें हमारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं हम अपने सब्सक्राइबर के हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं ताकि उनकी हर समस्या का समाधान हो सके और वो ज़्यादा परेशान ना हो। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा चैनल अभी 500 सब्सक्राइबर को हिट करने ही वाला है, और जल्द से जल्द हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर तक कंप्लीट करवाएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। हम उस ऐप के ऊपर वीडियो बनाते हैं, पैसा अर्न करने वाले ऐप जो सच में पैसा देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।